जानबूझकर मुसलमानों की छवि को देशभर के अंदर बदनाम करने के लिए फिल्म द केरला स्टोरी को बनाया गया है। इस तरीके का बयान जारी किया है हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने। नाज़रीन व सामईन, हम आपके सामने पूरी खबर तफसील से रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल टॉप इस्लामिक SMS को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फिल्म द केरला स्टोरी मुसलमानों की छवि को बदनाम करने के लिए जानबूझकर बनाई गई है। हयात मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम का कहना है, इससे देश का माहौल ख़राब होगा। नाज़रीन व सामईन, हम आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर तनाज़ो खड़ा हो चुका है। इस फिल्म को लेकर खुद केरला की लोकल पार्टियों ने इसका बायकॉट किया है और इसकी तस्वीरें जलाई हैं। हम आपको बता दें कि हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम ने यह भी फरमाया है कि हम इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल करेंगे। नाज़रीन व सामईन, आपको मालूम ही होगा कि जिस तरीके से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है कि इससे देश का माहौल कितना ख़राब होगा और लोगों के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुसलमान कायदीन को हिम्मत अता फ़रमाए और खुलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत अता फ़रमाए। जज़ाकअल्लाह।